सबको पता है कि मेरी लास्ट फोर का सिलेक्शन है, काम भी थोड़ा बहुत किया है, मेरे साथ भी टीम है, लेकिन ये टीम इन्होंने ये फैसला किया कि हम जाके बाकी में काम कर सकते हैं। चाहे विशीर साहब बड़ा अरसा रहे हैं बाकी में, चाहे सलीम साहब बड़ा अरसा रहे हैं, चाहे सब रहे हैं, हम जाके वहाँ पर काम कर सकते हैं उस टीम के साथ, लेकिन उनके लिए ज़रा मुश्किल हो जाएगा वो टीम यहाँ पर आके काम करे। तो बेहतर यही है कि कोई ऐसा फैसला करो जो सारे मिलजुल के काम करें। तो मैंने कहा चलो ठीक है, मैं ये फैसला जो है सिर्फ आप पे छोड़ता हूँ, जो बंदे मेरे साथ पार्किंग में चाहते हैं कि मैं इलेक्शन लड़ूँ वो मुझे अपने सब में से हाथ खड़ा करके वोट दें कि वो पार्किंग में जाऊँ। अगर वो कहते हैं कि नहीं इलफोर्ड में रहो तो मैं इलफोर्ड में खड़ा रहूँ। मेरे पास दो चॉइसें हैं, लेकिन मैं सारी चॉइसें जितनी भी है तो अपने बुजुर्गों, अपने वोटरों और सपोर्टरों को देता हूँ कि जो वो उनका फैसला होगा वही मेरा फैसला होगा। अब बस मैंने यही कहना था, उसके बाद रवि साहब से कहता हूँ दुआ करें। इससे पहले कि दुआ हो, मैं जनाब बाबे कौम जनाब बशीर चौधरी साहब को बुलाने से पहले मैं जनाब चौधरी खालिद साहब जो गुजर वेलफेयर के सीनियर नायब सदर भी हैं और वापस तो जो इलेक्शन जीते हैं उसके भी नायब सदर हैं, राजा जीता साहब भी आना था मेरे ख्याल में, लेट आ रहे हैं, वो टीम भी सारी आ रही है। तो मैं राजा खालिद साहब अपने चौधरी खालिद साहब को दरखास्त करूँगा और साथ साथ इनको मुबारकबाद दूंगा कि ये अपने बेटे की शादी करके आए, तो आप उसके चाचा लगते हैं, ताए लगते हैं, इसलिए हमारे एक टीम में शामिल हूँ मैं चौधरी सलीम साहब, उनकी चिंता वो उनके लिए भी की है कि मैं जनाब चौधरी खालिद साहब से दूँगा। सबसे पहले मैं वादा चाहता हूँ देरी से نحمدہ و نصلی علی رسول کریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل وسلم بارک علی سیدنا محمد القدا و خیر الگرد نبی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اللہ اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حمد و ثنا کے بعد میں تمام دوستوں کو السلام علیکم عرض کرتا ہوں اور بالخصوص جو پینل ہے صرف چودھری بشیر صاحب میاں فضل خالد صاحب چودھری محبوب صاحب बट्टी साहब और तमाम दोस्तों को अभी चौधरी सलीम अख्तर साहब तमाम दोस्तों को खवातीन आज़ाद मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। मैं भी मियाँ साहब का शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने मुझे अपने ख्याल का इजहार करने का मौका दिया पूरे पैनल का। यहाँ मेरे आने से पहले मुझे सही तरह भी नहीं पता क्या टॉपिक है, मगर जो कुछ मुझे थोड़ा सा पता चला है इलेक्शंस की बातें हो रही हैं। सबसे पहले तो ये है कि हमें अपनी वोटों की रजिस्ट्रेशन करानी चाहिए। हमारे लोग इस मसले में बड़े सुस्त हैं, वो फॉर्म छोड़ के जाते हैं, हम लगा के भेजते नहीं हैं। प्लीज़ बराए मेहरबानी इलेक्शन आ रहे हैं, आप अपनी वोटों को अपने अपने बीवी बच्चों का वो वोट्स जो है वो रजिस्टर करें, बहुत जरूरी है। सबसे बड़ा चैलेंज इस वक्त यहाँ पार्किंग की बारों में आ रहा है, वहाँ बीएनपी बड़ी मजबूत होती जा रही है। अगर हमें यूनिटी ना हुई, अगर हमारे लोग लेबर में जा रहे हैं, कंजर्वेटिव में जा रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं, खुदा के लिए यूनिटी आपस में इत्तेहाद पैदा करें और बीएनपी का मुकाबला करें। अगर बीएनपी को हम ना रोक सके तो ये पूरे यूके में फैल जाएगी और बिलखसूस बिलखसूस मुसलमानों को चाहिए, अगर ये लोग हमें नहीं देखना चाहते तो फिर हमारे लिए बड़ी मुसीबत बनेगी। तो मैं आप लोगों से अर्ज करता हूँ, रिक्वेस्ट करता हूँ, अपील करता हूँ कि इसके लिए तैयारी करें, वरना हमारे लिए बड़ी बड़ी मुसीबत बन रही है। बराए मेहरबानी बीएनपी का हमने हर जगह पे बाथरूम शो लेकर बाकी जहाँ जहाँ भी उनके कैंडिडेट्स हैं वहाँ अच्छे से अच्छे कैंडिडेट लाएँ ताकि उनको हार सके, लेकिन हमारे लिए बड़ी मुसीबत बन रही है। इसके बाद एजुकेशन बड़ी जरूरी है, हमारे बच्चों के लिए बच्चियों के लिए तालीम बहुत जरूरी है, बराए मेहरबानी इस पर भी ध्यान दें और साथ साथ अपने बच्चों को मुसलमानों के चाहिए उनको इस्लामी तालीमात दी जाए, क्योंकि इस्लामी तालीमात उनको जन्नत में ले जाएगी, जो जो एकेडमिक एजुकेशन है ये उनकी इस जिंदगी तक यहाँ मिलेगी। इसके अलावा हर कोई चाहता है
कि मैं मेयर बनूं, मैं एमपी बनूं, मैं ये बनूं, देखना है कि हम बर्दाश्त होनी चाहिए। अगर मुझसे चौधरी इकबाल साहब बेहतर कैंडिडेट हैं तो मुझे फ्राक दिल्ली से इनकी कैंडिडेटशिप को एक्सेप्ट करना चाहिए, बल्कि ये नहीं कि मैं उनसे नाराज़ हो जाऊँ और अपनी दुकान दूसरी तरफ लगा दूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए, आपस में इत्तेहाद करें, यूनिटी करें और बीएमपी का मुकाबला करें। मैं आखिर में आपसे इजाज़त चाहता हूँ इस शेर के साथ, निगाहें मर्द मोहम्मद से बदल जाती हैं तकदीरें, हो जो ज़ौक़े यकीन पैदा तो कट जाती है जंजीरें। अल्लाह।